जळगावातील सुप्रीम कॉलनी परिसरात धार्मिक स्थळाची साफसफाई करीत असताना व तेथे होणाऱ्या कार्यक्रमावरून रविवारी दुपारी दोन गटात वाद उफाळला होता। हा वाद वाढत जाऊन दगडफेक झाली, यामुळे सुप्रीम कॉलनी परिसरात तणाव निर्माण झाला होता। घटनास्थळी MIDC पोलिसांनी धाव घेतली असून दोन्ही गटातील महिला पुरुषांना पोलीस ठाण्यात आणले असता घटनास्थळी पोलीस बंदोबस्त हा तैनात करण्यात आला आहे। सुप्रीम कॉलनी परिसरात धार्मिक स्थळी कार्यक्रमाचे नियोजन असल्याने तेथे रविवारी साफसफाई केली जात होती, मात्र त्याला विरोध होऊ लागला। त्यावरून रविवारी दुपारी 2 वाजेच्या सुमारास दोन गट समोरासमोर आले, त्यातून हा वाद वाढत गेला। काही वेळातच दगडफेक सुरू झाली, यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला होता। घटनेची माहिती मिळताच MIDC पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून परिस्थिती नियंत्रणात आणली। घटनास्थळी यावेळी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून या ठिकाणी जवळपास 4 ते 5 जण जखमी असल्याची माहिती यावेळी पोलीस सूत्रांनी दिली आहे। या संदर्भात पोलीस उपअधीक्षक संदीप गावित नेमकं काय बोलले ते जाणून घेऊयात। आज MIDC पोलीस स्टेशन के हद्दी में सुप्रीम कॉलनी एरिया में एक महादेव मंदिर है, वहाँ पे उस सुप्रीम कॉलोनी के कुछ हिंदू एक 10-15 लड़के जाके जो श्रावण महीना आने वाला है उसके हिसाब से वहाँ पे कुछ दुरुस्ती का काम कर रहे थे। तो आजू बाजू के कुछ मुस्लिम वहाँ पे जमा हुए, एक 15-20 जन, और वो वहाँ पे वीडियो शूटिंग निकाल रहे थे उनकी। तो वीडियो शूटिंग निकालने की वजह से उनके बीच में थोड़ा बाचा बाची हो गई, उसके ऊपर से दोनों गट के बीच में पथराव हो गया। वो पथराव होने के बाद MIDC पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल करना चालू है। वहाँ पे पुलिस पहुँची, पुलिस ने दोनों गुटों को अलग किया, वहाँ पे शांति बहाल की। अभी पुलिस स्टेशन का वहाँ पे स्टाफ लगाया हुआ है, अभी शांति है। सर कितने लोग गिरफ्तार हो सकते हैं इसमें? अभी लगभग 15-20 लोगों के खिलाफ हमने FIR की है, उनका शोध चालू है, वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। और सर आपने एक बहुत सराहनीय काम किया है कि तुरंत शांतता कमेटी की मीटिंग बुलाई और लोगों को समझाया, तो वो किस तरह से समझा पाए आप सबको? वो जो पत्र हुआ उसके बाद दोनों तरफ से लोगों को पुलिस स्टेशन में बुला के यहाँ पे PI बबन आवड, LCVPI रजन पटेल साहब और मैं अपना स्टाफ सभी ने यहाँ पे उनकी शांतता कमेटी की मीटिंग ली। दोनों गुटों को समझाया कि शांति बनाए रखे और जो माहौल है वो ख़राब ना होने दे, दोनों को समझा के बिठाया। और मामला सर अभी कौन सा दर्ज हुआ है, क्या क्या है उसमें? अभी जो फिरियादी है पवन रमेश पाटिल बोल के जो हिंदू लड़का है, उसके फिरियाद से 307 और राइट के सेक्शन से गुनाह दाखिल किया है। तो अभी फिलहाल शांतता है? अभी फिलहाल शांतता है। Hello guys, please like, comment and subscribe our channel.